मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के चलते नामांकन जमा करने की प्रक्रिया सोमवार को पूरी हो गई है। आखिरी दिन सीहोर जिले की इछावर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल ने हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं, समर्थकों और क्षेत्रवासियों की मौजूदगी में अपना नाम निर्देशन पत्र जमा किया। वे सुबह क्षेत्र के दशहरा मैदान गिलावनी माता मंदिर से रैली के रूप में तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपना नामांकन जमा किया, जिसके बाद जनसभा को संबोधित करते हुए जनता से आशीर्वाद मांगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस चुनाव में मैं नहीं, मेरे इछावर विधानसभा के एक एक कार्यकर्ता चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा के झांसे में ना आएं, प्रदेश और क्षेत्र में बदलाव की लहर चल रही है। इछावर क्षेत्र में भेदभाव की राजनीति करने वालों को जनता हराने वाली है। देखिए, ये आई हुई जनता चुनाव इछावर के आम जनमानस का चुनाव है, किसानों का, युवाओं का चुनाव है, और निश्चित रूप से वो सब आशीर्वाद देने और इस रूप से आए कि उनका फॉर्म भरना है। मैं फॉर्म नहीं भर रहा हूँ, ये वाला जो 2023 का जो चुनाव है, इसका फॉर्म इछावर की जनता को समर्पित है और वही लोग फॉर्म भरने आए। मैं तो निमित्त मात्र हूँ। किसानों की बेबसी का है, पीने के पानी की बात है, उद्योग ना होने की बात है, स्वास्थ्य सेवाएं बेहाल हैं, शिक्षा का स्तर नहीं है, ऐसे तमाम मुद्दे हैं। 110 गांव सिंचाई सुविधाओं से वंचित हो गए, गांव गरीब होता जा रहा है। ये सब लड़ाई हमें लड़नी है। एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने है। चुनाव जीतना अपनी जगह, लेकिन चुनाव जीतने के बाद जनता की सेवा करना और जो विकास से कोसों दूर हो गए भोपाल राजधानी से नजदीक होने के बाद, उस सबको कहीं ना कहीं सामना करना। राहुल मालवीय, सीहोर।